गाइस, रात हो चुकी है और आज की रात हम कोई अलग ही चैलेंज करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो जो हमने कार वाली वीडियो बनाई थी ना, जिसके अंदर हम पूरी रात जो वो कार के अंदर रहे थे, वो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। बट आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि इस बार वापस एक ऐसी वीडियो बनाओ, चाहे आप जंगल में रहो, कहीं पर रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक चैलेंज वीडियो चाहिए। तो भाई हमने भी सोचा क्यों ना आपके लिए एक खतरनाक चैलेंज वीडियो लाई जाए। जी हाँ गाइज, हम नॉर्मली कहाँ पर रहते हैं? हम रहते हैं ज़मीन के ऊपर, बट आज के वीडियो में मैं और मेरी पूरी टीम ज़मीन के नीचे रहने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आप सोचोगे कि वो कैसे? तो जो पहली चीज़ हमें करनी पड़ी ज़मीन के नीचे रहने के लिए, वो था ये बड़ा सा गड्ढा। और ये जो आप गड्ढा देख रहे हो, ये कमरे की साइज़ का गड्ढा है। और गाइज, इसके अंदर हमें रहना है। जी हाँ गाइस, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, हम इसको पूरा का पूरा बंद कर देंगे, एकदम से पैक कर देंगे और पूरा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे ज़मीन के नीचे रहने पर कैसा लगता है, कैसा फील होता है। भाई वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग क्या करना है इस आइडिया के लिए, लाइक का जो बटन है उसे फटाफट से दबा देना। टारगेट रखते 50,000 लाइक का, प्लीज़ फटाफट से दबाइए लाइक का बटन। और अभी है ना, हम इस गड्ढे को थोड़ा सा रहने लायक बना लेते हैं। गाइज, अभी तो हम सब तैयार है इस गड्ढे के अंदर जाने के लिए, और इसके लिए हमें काफ़ी सारा सामान भी चाहिए होगा जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। जी हाँ गाइज, पहले तो जो हमें चीज़ लगेगी वो होगा पानी, क्योंकि पानी के बिन पूरी रात यहाँ पे गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर हम अपना TV पर साथ में लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पर अंदर रहेगा। और गाइज, आप सोच रहे होगे कि गड्ढे के अंदर पावर कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, तो उसका भी हमने जुगाड़ कर रखा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, ये कुछ मैगी वगैरह लाए थे, जैसे भूख लगेगी खाना खा लेंगे। और भाई मुझे तो भूख लग चुकी है, तुम्हारा क्या है सबका? देखो ये लो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर एक और गेम के लिए कैरम हम लाए थे साथ में। गाइस, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यार साथ में चाहिए, क्योंकि पूरी रात जाग कर इसके अंदर गुजारनी है तो वो चीज़ आसान नहीं है। ये गड्ढा है जिसे हम ऊपर से बंद भी करने वाले हैं। ओके, तो ये हो गया, मैं आपको यहाँ पर आइए पावर का जुगाड़ दिखा देता हूँ। ये रहा इन्वर्टर, हो गया, यहाँ से आकर हमें जो पावर चाहिए पूरी पूरी पावर हमें अच्छे से मिल जाएगी, ताकि हम अच्छे से इस गड्ढे के अंदर जो हो रात बिता सके। गाइस, तो ये रहा पूरा सिस्टम। ओके, सब अरेंज करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको गड्ढे के अंदर में। गाइस, इस गड्ढे के अंदर उतरना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर हमने ये लगा रखा है, नहीं तो आप देख रहे हो ना, इसके नीचे जो वो पानी है। जी हाँ गाइस, आजा छोटू, आवेगा गाइस। तो इस गड्ढे के अंदर हमें पूरी रात जो बितानी है। तकरीबन गड्ढा जो मेरी हाइट के बराबर है, 6 फीट के आसपास है, एंड ये ऊपर से बंद भी हो जाएगा। ओके, अब सोचो, यहाँ पर ज़रा बैठो आप गाइस, पूरे का पूरा जो है ऐसा फील आता है कि आप कमरे में बैठे हो, पर जब ये बंद होगा ना तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने वाली है, क्योंकि अगर हल्का हल्का देखो ना तो अभी से थोड़ा थोड़ा गर्म है, क्योंकि पूरा बंद हो जाता है ना ऊपर से, बाद में तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो अभी सोचो यहाँ पर पूरी रात बिताएंगे ऐसे ही, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही होगी, बट कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते हैं। टीवी वगैरह कहाँ पर है, इसको रखो सही में, भाई पिलोज वगैरह निकालो, टीवी हाँ यहीं पर रख दिया सामने। ओके, पानी वगैरह है, सब कुछ हमने सेटअप कर दिया है, और जो अभी है ना यहाँ पर अंदर पूरा सेटअप कर देते, बाद में हमें करना है इसको एकदम बंद। ओके, तो यही करना है आज, आ जाओ। ओके भाई, तो ये दो बंदे बिस्तर लगा रहे हैं। एंड गाइस, अभी सोचो गड्ढे के अंदर रहना एक अजीब बात नहीं हुई, मतलब सच में बोल दो ना, अंडरग्राउंड होना, इसे बोलते हैं अंडरग्राउंड होना। ओके, मतलब ज़मीन के नीचे। ओके, पूरी चीज़ यहाँ पर आप बैठ सकते हो, और गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे है ना कीचड़ है, तो ये ज़मीन जो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है अभी के लिए, बट पता नहीं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा पूरी रात गुजारनी है, और वो एकदम अलग चीज़ होती है यार, थोड़ी देर के लिए आना और पूरी रात जो यहाँ पर गुजारनी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ओके, तो टीम तैयार है पूरे पावर के साथ में, हम क्या करेंगे, गेम्स वगैरह खेलेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, इस तरीके से पूरी रात जो वो गुजारने वाले हैं, और ऊपर से बंद हो जाएगा, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ओके गाइस, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
गाइस, तो हमारा पूरा पावर का जो यूनिट है वो अंदर आ चुका है और अब हम चाहे जो वो इस गड्ढे के अंदर चला सकते हैं और पूरी रात जो वो इस तरीके से चिल कर सकते हैं। बाकी टाइम तो भाई अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये जब बंद हो जाएगा ना तभी आपको पता चलेगा। अभी आप रुकिए ज़रा, हम इसको पूरा जो है ना सेटअप कर देते हैं। गाइस अभी थोड़ा सा नर्वसनेस है क्योंकि ऊपर से जो पूरा पैकिंग चल रही है, भाई कर दो बंद। और गाइस ये पूरा का पूरा ब्लैक पॉलिथीन जो है ना आप देख रहे हो ये हमारे ऊपर आ चुका है। ओ भाई अब कुछ अलग ही लग रहा है, पत्थर गिर रहे हैं। अबे गाइस सच में थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि हम जमीन के अंदर है और ये पूरा का पूरा जो ना चारों तरफ ये डेरा है। क्या इसके अंदर रहना ऐसे भी खतरनाक हो सकता है? ये डेरा है, काफी सारे पत्थर अंदर आके गिर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हमारा जो सिस्टम है वो काम तो कर रहा है अभी के लिए। हो गया भाई काम? हाँ हो गया भाई काम। तो अभी जो वो चैलेंज की शुरुआत होती है गाइस, और एक बार इस गड्ढे के अंदर कोई भी आ गया ना हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे, पूरी रात इसके अंदर गुजारनी है कोई भी सिचुएशन हो। ओके वहां पर तीन बंदे अभी बाहर है, आ जाओ भाई, आना शुरू कर दो। गाइस चैलेंज की जो शुरुआत हो चुकी है और एक बार जो अंदर घुस गया वो बाहर नहीं जा सकता। तो पहला बंदा आ चुका है, छोटू आने वाला है अभी मेरे हिसाब से। छोटू का पैर आया, पैर आ गया छोटू के, छोटू की एंट्री जो हो रही है छोटू। गाइस तो पूरी टीम के साथ हम अंदर आ चुके हैं और अभी हमें यहाँ से शुरुआत करनी है चैलेंज की, जो वो शुरुआत हो चुकी है अभी है ना। भूख लग रही है सबको? हाँ यार, कब की कितने गाइस कितने। चैलेंज की शुरुआत करते हैं हम खाना बनाने से। पहले तो मैगी वगैरह कुछ बनाते हैं, टाइम पास करते हैं, आपसे बातें करते हैं और दो चार मेरे पास फनी गेम्स है वो खेलते हैं, उसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ओके हाँ ठीक है, वहाँ कॉर्नर में बना सकते हो। हाँ ओके, इनके लिए दिक्कत रहने वाली है मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत ये रहेगी कि जैसे ही हम इसको जलाएंगे, इस स्टोव को हम शुरू करेंगे, अंदर की जो ऑक्सीजन होगी वो बर्न होने लगेगी। जी हाँ गाइस, अंदर की ऑक्सीजन बर्न होने लगेगी। और भाई आपको भी पता है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट कोई नहीं, जो भी दिक्कत आती है, मैंने आपको जैसा बोला जो भी दिक्कत आती है हम उसका सामना करेंगे, आप लोगों को सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या होता है। ओके तो ये शुरुआत करते हैं इसकी। भाई अभी पानी ले लो, पानी ले लो, पानी भर लो। इसको रखते हैं यहाँ पर, इस बर्तन के अंदर बनने वाली है मैगी और मैगी खाकर हमें टाइम पास करना है क्योंकि गाइस हम घर से खाकर नहीं है क्योंकि भाई पूरा एक्सपीरियंस लेना है ना तो भूखे पेट ही आना पड़ेगा। हमने पूरी टीम ने जो खाना नहीं खाया है, हमने दोपहर खाना खाया था, अभी यहाँ पर आ चुके सूट पर सीधा। ओके भाई पूरे कमरे में जो वो कमरा हाँ कमरे है ना ऐसी कर पूरे कमरे में धुआं हो रखा है, सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ऑक्सीजन जो वो बर्न हो रही है। पानी डालते जा भाई। गाइस तो हमारी मैगी जो यहाँ पर रेडी है। ओके सारी ये सारी मैगी हम पानी में डालते थे ताकि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। और भाई छोटू को काम मिलाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जो हम प्राइमर्स लाए हैं ना, ये स्टोव आप देख रहे हो ये लीक है, तो जब तक मैगी नहीं बन जाती छोटू को जो ऐसे ऐसे पंप मारना पड़ेगा। और इसको शौक भी था, इसको लगा था वक्त आसान है। ओके बट अभी जब तक मैगी नहीं बनेगी उसको जो पंप मारना पड़ेगा। ओके गाइस तो अभी हमें करना है थोड़ा सा वेट एंड इसके बाद में हमारी मैगी जो रेडी हो जाएगी। गाइस तो यहाँ पर जब तक है ना हमारी मैगी बन रही है, स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। छोटू जो लगा पड़ा है पंप मार रहा है, इसको आई थिंक आधे घंटे से भी ज़्यादा ज़्यादा पंप मारने पड़ेंगे। और भाई तुझे नहीं खाने स्नैक्स? अगर आप सच्चे गुजराती हो, गुजरात से बिलोंग करते हो ना, तो कमेंट करके बताओ इस चीज को क्या बोल दे। आई थिंक आपको पता चल ही जाएगा। छोड़ो आ जा भाई खा ले, रुक जाओ भाई। ये गाइस ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया मैगी बनते बनते क्योंकि हमारे जो स्टोव लाया ना वो प्राइमस बोलते उसे वो एकदम से खराब था, उसके अंदर पंप मारने पड़े तब जाके ये जो मैगी आप देख रहे हो ना भाई ये तैयार हुई है। और यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो चुका है, आप देख सकते हो हमने इसे ऊपर से खोला भी नहीं है,
वैसे का वैसे हमने ब्लैक पॉलीथिन लगा रखा है। एंड गाइज अंदर काफ़ी ज़्यादा घुटन सी हो रही है, बट जैसा कि हमने आपसे कहा कुछ भी हो जाए हम यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले। ओके गाइज खाना खाते खाते एक चीज याद है, छोटू वो वाला गेम लाइट वाला। ओ नहीं 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 अभी नहीं, चलेगा चलेगा चल स्टार्ट हो रहा है, गेम स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 वो ऐसा होता है आपको जब लाइट बंद होती है ना तब आप किसी को भी थप्पड़ किक्स कुछ भी मार सकते हो, पर जब लाइट ऑन होती है तो आपको रुक जाना है। लाइट ऑन अभी नहीं मार सकते। रेडी 1 2 जब से हमने खाना बनाया ना, मतलब जब मैगी बनाई तब से लेकर अभी तक में काफी ज्यादा गर्मी हो रखी है, क्योंकि अंदर की जो ऑक्सीजन है वो ज्यादातर जल गई थी जब हमने फायर लगाई। ओके तो कोई बात नहीं, छोटा सा वेंटिलेशन के लिए हमने छोटा सा खोल के रखा है, बट वो ज्यादा काम भी नहीं दे रहा है ना। कोई बात नहीं आगे बढ़ते गाइस, अभी खाना बना हो गया है, अभी बारी है गुजराती स्पेशल गेम खेलने की। ओके तो यहाँ पर जब हम छोटे बच्चे थे ना और स्कूल में जो गेम खेलते थे जब टीचर्स वगैरह अंदर नहीं होते, ओके तो मैं यहाँ पर देखो इसे बोलने भजिया बनाने वाला गेम। ओके देखो इसमें क्या होता है, ऐसे बंदा हाथ रखेगा आपने कुछ इस तरीके से, और जो दूसरा ऑपोजिट में होगा मतलब जो उसका दुश्मन बोल सकते हो एनिमी बोल सकते हो तब के लिए, ओके उसको क्या करना है ऐसे ऐसे करके कुछ भी नाटक कर करके यहाँ पर भजिया बनाने हैं, और जैसे ही भाई इसका ध्यान बटेगा इसके हाथ पर लगानी है जोर से जाफट। ओके और सीधा हाथ लाल और अगर मिस कर गया, मतलब कैसे भी कर सकते हो आप हाथ ले सकते हो ऐसे कैसे करके, ओके और मिस कर गया ना तब क्या होगा, तब चेंज होगा राउंड। ओके अभी तभी इस भाई को रखने पड़ेगा अपने हाथ, तो इस तरीके का गेम है अभी आप समझ जाओगे यहाँ पर। चलो शुरू करें। ओके तो भाई भजिया बनाने का गेम जो शुरू हो चुका है, एंड छोटे का हाथ लाल हो गया एक ही झटके में। दूसरा भाई थोड़ा सा तेल तो आने दे तेल गरम भाई जब मिस होगा ना तब तेल गर्म हो गया है अभी यार भजिया तो डालने दे डाल नीचे गिर गया अभी छोटू की बारी है बदला लेने की। छोटू तैयार हो? तैयार। रेडी तुम तैयार हो? हाँ तैयार। तो भाई यहाँ पर वापस से गेम आगे बढ़ते हुए गाइस छोटू ने कुछ अलग तरीके से गेम शुरू कर दिया है। पंजे डालो पंजे कर नहीं इधर टच कर गया टच कर गया भाई पंजे डालो फाफड़े डालो वापस छोटू की मैं बना लेगा ठीक है बंदा बदला है मुझे नहीं आता तू पहले चल नहीं तुम बड़े हो यार तुम छोटे हो पहले तुम चलो भजिया पाड़ो फाफड़े पाड़ो भाई इस गेम में अगर आपने ऐसा गेम ट्राई नहीं किया तो एक बार प्लीज घर पर ट्राई करना, जो मजा आता है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल का होता है। दो ऑपोजिट बंदे चाहिए, आप अपना दोस्त या फिर आप दोनों भाई जो भी घर में है ना वो खेल सकते हैं ये वाला गेम। अभी बना भजिया बना देखो इस तरीके से जलेबी पाड़ू फाट अंदर जो काफी ज्यादा गर्मी हो रही है सच में, काफी ज्यादा गर्मी भी हो रही है और साथ साथ घुटन हो रही है, यहाँ पर सर दर्द होने लगता है थोड़ी देर के अंदर। अभी देख रहे हो यहाँ पर इतनी घुटन सी हो रही है ना कि उसकी कोई हद ही नहीं यार सच में। अभी हम सोच रहे थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करते, एक बज चुका है अभी हमें 7 या फिर 8 बजाने हैं। ओके काफ़ी सारे घंटे बजे, कोई बात नहीं सो थोड़ी देर के लिए सोने का ट्राई करते हैं, नींद तो नहीं आएगी किसी को।
गाइस पता ही नहीं चला कब ऐसे ही मजाक करते करते हमारी आंख लग गई, बट जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हुई थी अभी भी यहाँ पर घुटन हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें अभी मज़ा आ रहा है, ओके। और भाई पूरी रात है ना यहाँ पर देखो क्या हालत हो रखी है भाई, पूरी रात जो मिट्टी गिरती रही है खड्डे के अंदर, बहुत मुश्किल था बट कैसे भी करके हमने जो दिन गुजार दिया है। मैं फ़ोन दिखाओ अपना टाइम ज़रा दिखाता हूँ, और जो पूरी टीम है भाई उनकी बैंड बज चुकी है, यहाँ पर बजे सुबह के 9:45 देख रहे हो, तो 9 बजने ही वाले हैं। इस तरीके से गाइस हमने गड्ढे के अंदर पूरी रात जो वो स्पेंड की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही है। सबसे ज़रूरी बात थी वो सांस लेने की दिक्कत ही आ रही थी, क्योंकि जब हमने स्टोव जलाया ज़्यादातर ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, एंड बाद में हम भी जो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं उसके बाद यहाँ मुश्किल से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आती रहती है, हवा आती रहती है फ्रेश, ओके। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक बार वापस से दिखा दो भाई गड्ढा जो वैसा का वैसा है, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एंड पूरा हमारा सिस्टम वैसा का वैसा रखा है। और टीवी वगैरह तो हम सोच रहे थे यूज़ करेंगे, बट हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। गाइस यहीं पर हमने रात बिताई, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी। तो आई होप आपको जो ये वीडियो थी वो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक का बटन जो वो ज़रूर से प्रेस कर देना। और जो भी मेरे वे लोग नए आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो वो दिन हो चुका है। गाइस सच में फ्रेश हवा मिली, मजा आ गया। ओह पूरी रात जो घुटन में बिता दी, बट अब जो हम बाहर आ चुके हैं, फ्रेश हवा यहाँ पर है, और सच में काफ़ी मज़ा आ गया। पूरी टीम जो अभी बाहर आ रही है गाइस, तो इस तरीके से हमने जो गड्ढे के अंदर पूरी रात बिताई। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस दिखा के थोड़ा बहुत कुछ हम आपको समझा पाए होंगे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।